बॉन्ड ऑफ लव थर्टी फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर क्लास नाइन्थ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन वट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव ये जो लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव जो एक बेयर स्लॉथ बेयर और एक ह्यूमन बीइंग रिलेशनशिप की कहानी है ये दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप रहती है उसके बारे में है इसके राइटर कौन है जेरोम के जेरोम जीव पटेल कैनेथ एंडरसन एडवर्ड कैनेथ एंडरसन इज द राइट ऑप्शन ऑन योर ब्रूनो नियर ऑथर को ब्रूनो कहाँ मिलता है डेली कोलकाता मैसूर बैंगलोर फाउंड ब्रूनो नियर मैसूर अब मैसूर में वो जा रहा था उसके कुछ फ्रेंड्स थे वो वाइल्ड पिक्स को भगा रहे थे शुगर केन फील्ड से उन्हीं शुगर केन फील्ड्स में मिल जाता है ये स्लॉथ बियर ब्रूनो जिसका नाम उसकी वाइफ रखती है ब्रूनो कहाँ पे मैसूर में नियर मैसूर ब्रूनो वाज अ आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट वाज ब्रूनो ब्रूनो वाज अ स्लॉथ बियर नेक्स्ट वन हुम डिड दी ऑथर प्रेजेंट ब्रूनो ब्रूनो को ऑथर ने किसको प्रेजेंट किया किसको गिफ्ट किया His uncle, his father, his wife, his son. He presented Bruno to his wife. Apni wife ko present kia. What were the people doing when the author passed through sugarcane fields near Masur? I told you in beginning. Driving away the wild pigs. Harvesting sugarcane. Cleaning fields. None of these. So what were the people doing? They were driving away the wild pigs. नेक्स्ट क्वेश्चन no no के लिए one word जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो कौन सा है वर्ड नेक्स्ट वन वेयर वॉज द बेबी बियर राइडिंग बिफोर द डेथ ऑफ इट्स मदर वो जो बेबी स्लॉथ बियर था वो अपनी मदर की पीठ पे बैठ करके भाग रहा था जब ऑथर के किसी फ्रेंड ने गोली मार दी उसकी मदर को ऑन द बैक ऑफ अ डॉग ऑन द बैक ऑफ अ पिग ऑन द बैक ऑफ इट्स मदर नो वे आई टोल्ड यू आंसर ऑन द बैक ऑफ इट्स मदर आफ्टर सींग ब्रूनो वाइफ वॉज अब ब्रूनो को देखने के बाद एज अ प्रेजेंट उसको दिया गया था ब्रूनो द स्लॉथ बेयर उसको देखने के बाद उसकी वाइफ ऑथर की वाइफ, वाइफ कैसा फील करती है डिलाइटेड एनॉयड सैड नन ऑफ दीज सी वॉज डिलाइटेड हु किल्ड ब्रूनोज मदर अब ब्रूनो की मदर को किसने मारा इफ यू नोटिस डाई टोल्ड यू दर्स वाइफ वन ऑफ नरेटर्स फ्रेंड नन इट्स वेरी इजी ऑप्शन सी वन ऑफ द नरेटर्स फ्रेंड हु क्रिस्टियन द बेबी बियर ब्रूनो ये जो बेबी बियर है उसको ब्रूनो किसने नाम दिया द नायरेटर द ऑथर्स वाइफ द नरेटर्स फ्रेंड नन ऑप्शन बी द ऑथर्स इफ क्रिस्टेन्ड बेबी बियर एज ब्रूनो एलेवेंथ वन इनिशियली ब्रूनो वॉज फेड एट होम विद स्टार्टिंग में जब उसको घर लेके जाता है तो उसको क्या खिलाया पिलाया जाता है ग्रास मिल्क फ्रॉम अ बॉटल मीट नथिंग ऑप्शन बी मिल्क फ्रॉम अ बॉटल नेक्स्ट वन द बीयर बी केम वेरी अटैच टू किससे बहुत अटैच हो गया था वो अल्सेसियन डॉग्स चिल्ड्रेन ऑफ द टी बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी अल्सेसियन डॉग्स थे कितने थे टू अलसेसियन डॉग्स थे और बहुत सारे चिल्ड्रेन थे टीनेट्स के उन सबसे बड़ा अटैच हो गया था वो वेट डिट ब्रूनो स्लीप वेन ही वॉज यंग जब वो यंग था छोटा था तो कहाँ से होता था इन दैनल इन द गार्डन इन दियर बेड्स इन द किचन इन देयर बेड्स कहां सोता था ऑथर के बेड में इन देअर पॉइजन डिड ब्रूनो ईट अब एक बार क्या होता है जो ऑथर है वो रैट किलिंग के लिए कुछ पॉइजन रख देता अपने लाइब्रेरी में और उसको ब्रूनो की आदत है कुछ भी खा लेने की वो कुछ भी छोड़ता नहीं जो भी उसको मिल जाए सब खा लेता है पॉइजन भी खा लेता है वो पॉइजन का नाम क्या था पोटेशियम साइनाइड बेरियम कार्बोनेट बेरियम साल्ट नफ दीज इट वॉज बेरियम कार्बोनेट नेक्स्ट वन वट हैपन टू ब्रूनो वेन एट पॉइजन अब जब ब्रूनो ने प्वाइजन खा लिया बेरियम कार्बोनेट खा लिया अब जब ब्रूनो ने प्वाइजन खा लिया बेरियम कार्बोनेट खा लिया तो उसका क्या हुआ ही गॉट पैरालाइज्ड ही स्टार्टेड डांसिंग ही स्टार्टेड रनिंग नथिंग वेरी फर्स्ट ऑप्शन ही गॉट पैरालाइज्ड वो पैरालाइज्ड हो गया चल फिर नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी खिसक करके आगे जाता है हु वाज कंसल्टेड आफ्टर दिस एक्सीडेंट अब ये एक्सीडेंट हुआ उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया तो फिर किससे कंसल्ट किया गया जूककीपर नेबर अ वेट नन ऑथर भाग के जाता है वेट के घर पे तो हु वाज कंसल्टेड अ वेट जानवरों का एक डॉक्टर व्हाई डिड ब्रूनो वोमिट अब ब्रूनो ने उल्टी क्यों की व्हाई डिड ब्रूनो वोमिट Because of being ill, tha. because of excessive eating, Bojada Kalia, because of barium carbonate, none of these. It was due to barium carbonate. What kind of a pet was Bruno? Bruno kaisa pet tha? Loving and playful. Fierce, terrible, dangerous. You can easily answer this question. Loving and playful. How much antidote was given to Bruno in all? मिला के ब्रूनो को कितना एंटीडोट दिया गया उस जहर के लिए कुछ एंटीडोट उसको दिया गया जो डॉक्टर आता है जानवरों का ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर अब इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है पहली बार दिया गया टेन सीसी और फिर टेन मिनट्स के बाद जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो फिर दिया गया टेन सी सी कुल मिला के कितने हो गए ट्वेंटी सी सी आई होप यू अंडरस्टूड इट इन ऑल ही वॉज गिवेन ट्वेंटी सी सी ऑफ एंटीडोट आफ्टर थर्टी मिनट्स वॉट डज ब्रूनो डू जब थर्टी मिनट्स बीत गए इंजेक्शन लगने के बाद तो वो क्या करता है स्लीप्स ईट्स अ लॉट डज नथिंग स्टार्ट वो थर्टी मिनट्स के बाद वो खूब ढेर सारा खाना खाना शुरू करता है विच कार द नरेटर हैज इन हिज हाउस नरेटर के घर में एक कार थी पुरानी थी उसका नाम क्या था मर्सिडीज बेंज स्ट बेक रोल्स रॉयस सुजुकी कौन सी कार थी उसके घर में जो कार थी उसका नाम था स्टड बेकर नेक्स्ट वन एट टाइम ब्रूनो ड्रैंक नियरली ऑफ ओल्ड इंजन आइल पुराना इंजन ऑयल वो निकालता है अपनी स्टड बेकर से कहीं रख देता है ऑथो और उसको ब्रूनो पी जाता है उसको जो भी मिल गया वो सब खा पी लेता है तो कितना गैलन ओल्ड इंजन ऑयल वो पी लेता है टू गैलंस वन गैलन थ्री गैलंस फाइव गैलंस करेक्ट आंसर इज नियरली वन गैलन नेक्स्ट वन हुम डिड ब्रूनो लव द मोस्ट किससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था किसको सबसे ज्यादा मिस करता था द नरेटर द नरेटर्स वाइफ दस वाइफ वो भी उसको बहुत मिस करती थी was further renamed. पहले तो ब्रूनो का नाम ब्रूनो रखा किसने रखा क्रिस्टेन किया किसने ऑथर्स वाइफ ब्रूनो को फर्दर रीनेम किया उन्होंने ही ऑथर की वाइफ ने ही क्या नाम दिया बाबू बाबा बेबी बॉय तो एक हिंदुस्तानी नाम दिया उन्होंने बाबा जो छोटे से बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं बाबा डिड द बियर प्रोड्यूस वेन आस फॉर अ बेबी जब उससे पूछा जाता वेर इज द बेबी तो वो कुछ प्रोड्यूस करता क्या प्रोड्यूस करता था वो अ डॉल अ स्टम्प ऑफ वुड अ कब अ बेबी वो प्रोड्यूस करता अ ट्विस्टेड स्टम्प ऑफ वुड जो छुपा के रखता था इन द स्ट्रॉ बेड अपने एक्स्ट्रा बेड में जो उसका घास फूस का बेड था उसमें छुपा के रखता था और जैसे ही कोई पूछता वेर इज द बेबी वो आके दिखाता क्रैडल करता अपने हाथ में लेकर के उसको ही हैड टू बी चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज अब ब्रूनो को काफी टाइम चुकी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो उसको चेन में बांध के रखा जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ किसकी वजह से डॉग्स नरेटर्स वाइफ द टीन चिल्ड्रेन किसकी वजह से बिकॉज ऑफ द टीन चिल्ड्रेन

उस केस में रख करके उसको भेजा जाता है वापस से मैसूर अभी वो बेंगलोर में है उसके आतर के घर में तो वापस भेजा जाता है डिस्टेंस क्या थी ये जो डिस्टेंस उसको कवर करना था वो डिस्टेंस कितनी थी थर्टी सेवन माइल्स एटी सेवन माइल्स फोर्टी सेवन माइल्स फिफ्टी सेवन माइल्स सो वट वॉज द डिस्टेंस द डिस्टेंस वॉज एटी सेवन माइल्स फ्रेटिंग फ्रेटिंग का सिनोनिम क्या होगा Worried, unhappy, not relaxed, all of these, ये सब के सब के इसके हैं। कितने so the दिन बीत गए? जब वो अपने आप को नहीं रोक पाती हैं। बाबा से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है अपने हस्बैंड से कि या तो मुझे ले चलो नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी बस से थ्री मंथ्स फोर मंथ्स टू मंथ्स none ऑफ दीज आफ्टर थ्री मंथ्स वो अपने आप को नहीं रोक पाती हैं और कहती हैं रिक्वेस्ट करती हैं अपने हस्बैंड से अगर वो नहीं ले जाएंगे तो खुद चली जाएंगी वट वॉज द रिएक्शन ऑफ बाबा आफ्टर सीइंग नरेटर्स वाइफ आफ्टर द सेपरेशन ऑफ थ्री मंथ्स तीन महीने बाद जब बाबा ब्रूनो वो बेबी बियर मिलता है अपने फ्रेंड से अपनी मालकिन से अपने ओनर से नरेटर्स वाइफ से तो उसका क्या रिएक्शन होता है बाबा रिकग्नाइज

और फिर जाने के लिए तैयार ही नहीं है कहती नहीं मैं बाबा को लेके जाऊंगी फिर क्यूरेटर से बात होती है क्यूरेटर बोलता है अगर आपको बाबा बैग चाहिए तो किसी से बात करनी पड़ेगी उसके बॉस से हु इज द बॉस द लॉयर द सुपरिटेंडेंट द गवर्नर द जज द सुपरिटेंडेंट करेक्ट आंसर इज द सुपरिटेंडेंट हाउ ओल्ड वॉज द बेयर वेन ही वॉज एट दईलैंड वापस आ जाता है वहाँ से एक केज मिलता है सुपरिटेंडेंट एक लेटर देता है फिर क्यूरेटर एक केज देता है केज में रख करके कार के ऊपर अच्छे से बांध करके नरेटर उसको घर लेके आता है बड़ा ही केयरफुल ड्राइविंग करके अब आ जाता है एक छोटा सा आइलैंड उसके लिए बनाया जाता है वो आइलैंड जो है वहाँ पर रह रहा है जिसके चारों तरफ गड्ढे बनाए गए हैं उस टाइम उसकी एज क्या थी थर्टीन मंथ्स फोर्टीन मंथ्स फिफ्टीन मंथ्स सिक्सटीन मंथ्स टाइम ऑफ फिफ्टीन मंथस हु ओपिनियन दैट बाबा वुड नॉट रिकोगनाइज अब ये किसका ओपिनियन है कि बाबा उसको रिकोगनाइज नहीं कर पाएगा बाबा पहचान नहीं पाएगा किसके ओपिनियंस थे ये दस फ्रेंड्स हरसन नफ दीज दीज वर दिनियंस ऑफ ऑथर्स फ्रेंड्स किसके थे ऑथर के फ्रेंड्स के ओपिनियन ऐसे थे कि बाबा अब नहीं पहचानेगा तीन महीना बीत गया तो भूल गया होगा नाउ लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो द चैप्टर पोट्रेज ब्यूटिफुल बॉन्डिंग ऑफ अ ह्यूमन अग एंड एन एनिमल अ ट्री अ माउंटेन अउंटेन ऑफ दीज डू टेल मी योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ योर आंसर्स वर करेक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल दीज थर्टी फाइव क्वेश्चन वट इज द करेक्ट आंसर हियर एंड एनिमल ये जो चैप्टर है एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको पोर्ट्रे करता है सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर एन एनिमल दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग